दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आप सभी का दोस्त हैप्पी राइडर गजानन पाटिल। आज हमारा जो गांव है नेटिव प्लेस पाचोरा, वहां जाने का प्लान बना है। बहुत सवेरे हो सवेरे के लगभग 4 बजे है। हिमालयन इज टोटली रेडी, पैनियर लगा के तैयार है। बस अभी निकलने की तैयारी पूरी हो चुकी है, अभी स्टार्ट करते हैं। हम मीरा रोड से पाचोरा के लिए रात है, तो व्लॉगिंग कितना कर पाएंगे देखते हैं। सवेरे के लगभग 5:30 बजे है। रात का अंधेरा होने के कारण मैंने ज़्यादा नाइट शूटिंग नहीं किया है। अभी थोड़ा उजाला हो रहा है इसलिए शूटिंग चालू कर दिया है। तो मैं यह हाईवे पे लग गया हूँ। यहाँ से लगभग हमें अभी 300 किलोमीटर्स आगे जाना है। बड़े ही सवेरे निकला हूँ। जब भी कभी बाहर जाना रहता है, ट्रैवलिंग के लिए निकलना रहता है, तो रात को नींद नहीं आती है। ऐसा ही हुआ, बहुत कोशिश करने के बाद भी नींद नहीं आई और बहुत रात को निकलना भी नहीं था, इसलिए फिर थोड़ा देर रुक के अभी निकले हैं। लगभग 4:30 बजे और हमारा जर्नी स्टार्ट हो गया है। यहाँ हम पहुँच गए हैं आठगांव। मेरे लेफ्ट साइड में है आठगांव रेलवे स्टेशन। रेलवे ट्रैक भी दिख रहा है। और आगे बढ़ते हैं। सफ़र हमारा काफ़ी बढ़िया चल रहा है। एक कसारा घाट से पहले हम छोटा सा एक घाट लगता है, वहाँ से पास हो रहे हैं। थोड़ा डिपनेस ज़्यादा है यहाँ। बढ़िया स्लोप है रास्ते में, घुमावदार रास्ता है। आजू बाजू का नज़ारा बहुत शानदार है। और हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरे लेफ्ट की ओर जो रास्ता जाता है वो कासारा रेलवे स्टेशन तक जाता है और कसारा विलेज जो है बस पास में ही है। तो कसारा रेलवे स्टेशन, कसारा विलेज जाने के लिए यहाँ से लेफ्ट लिया जाए और सीधा जाएंगे हम टूअर्ड नासिक इंदौर हाईवे। यहाँ से लेफ्ट लेने से कसारा रेलवे स्टेशन तक पहुंच जाते हैं। लॉकडाउन की वजह से होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, टी स्टॉल सभी बंद है। मुश्किल से छोटी सी जगह कहीं चाय मिल सकती है, तो यह मुझे चाय मिल गई है एक जगह। बड़ा आनंद हुआ चाय मिलने पर। और पैनियर पे चाय का प्याला रख के चाय पीना एक अलग ही आनंद है। पैनियर का यह भी एक फायदा होता है, यह मुझे आज पता चला है। चाय पी लिए है और आगे के सफ़र के लिए निकलते हैं। देखिए, भगवान सूर्यदेव की जय हो। जगत की सर्व दिशाएं प्रकाशित हो चुकी है। यह हमारा कसारा घाट चालू हो गया है। कसारा घाट ये अभी वन वे बना दिया गया है, लेकिन जाते समय ये टोटल वन वे नहीं है। बीच में ये एक थोड़ा डाइवर्शन है, वहाँ तक वो बोथ वे है, फिर उसके बाद वन वे है।
बहुत सारे लोगों को लगता है कि यहाँ से स्टार्टिंग से ही वन वे है, ऐसा नहीं है। ये बाजू में होटल है बाबा का ढाबा। हम जब शिरडी के लिए आते थे पालखी लेके पदयात्रा से आते थे तो यहाँ ज़रूर रुकते थे चाय पानी पीने के लिए और स्नान आदि करने के लिए, बाबा का ढाबा। तो देखिए यहाँ तक बहुत भी रास्ता है, जो इधर से मुंबई से नासिक की ओर जाने वाला जो सेक्शन है यहाँ से बहुत भी रास्ता है, और बस इस सेक्शन से आगे यहाँ से आगे वन वे हो जाता है, टोटल वन वे हो जाता है बाकायदा। तो फिर यहाँ अभी कोई अपोजिट साइड से व्हीकल आने का संभावना लगभग ना के बराबर है। बाजू में रेलवे ट्रैक है और टनल भी दिख रहा है, टनल से रेलवे पास होती है। यह पुराना कसारा घाट का नज़ारा है। पुराने समय यह कसारा घाट आने के लिए जाने के लिए सेम ही था, लेकिन अभी लगभग 5-6 साल पहले यह सेपरेट हो गया है, आने का वन वे जाने का वन वे कर दिया है। ये सामने जो दिख रहा है गोल घूमट जैसा, उसके नीचे कुआ है और पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर इन्होंने यह बनाया है। इसके ऊपर एक छोटी सी बस्ती है, देहात है, उन लोगों को पीने का पानी का जो सप्लाई है यहाँ से होता है, वो हमारी सिस्टर्स वहाँ से पानी लेके जा रही है अपने फैमिली के लिए। तो बड़ा ही कष्टप्रद जीवन है इन लोगों का। और अहिल्याबाई होलकर जी जो बड़ी ही पुण्यवान महारानी हो गई, उन्होंने ऐसे बहुत सारे सुविधाएं की है, घाटों के निर्माण की है, मंदिरों का निर्माण किया है। तो चलो आगे चलते हैं। कसारा घाट का यह एक्सपीरियंस मुझे लेह लद्दाख के लिए बड़ा ही फायदेमंद रहेगा, क्योंकि हम शहरवासियों को घाट पे गाड़ी चलाने का इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं रहता है। हम शहरवासी बड़े भीड़ भाड़ में गाड़ी चला लेते हैं, प्लेन रास्ते पे गाड़ी चला लेते हैं, लॉन्ग ड्राइव कर लेते हैं आसान रास्ते पे। लेकिन जो कॉम्प्लिकेटेड रास्ते रहते हैं, घाट सेक्शन, एकदम यू टर्न, एकदम पिन टर्न, यह हमारा आदत नहीं रहता है। इसलिए हम इस घाट जैसे सेक्शन में आएंगे, कसारा घाट जैसे थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो लेह लद्दाख जाने का 10-20% ट्रेनिंग यहाँ पूरा हो जाता है, और यह एक्सपीरियंस हमें वहाँ ज़रूर काम में आएगा। ये तो बात है, लेह लद्दाख एक अलग ही एक्सपीरियंस है, अलग ही ड्राइविंग है, इससे वो कहीं गुना हार्ड और कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन उस चलाने का भी एक अपना ही अलग मज़ा रहता है। हर बाइकर का ड्रीम डेस्टिनेशन रहता है लेह लद्दाख जाना बाइक लेके। जिंदगी में एक बार तो भी लेह लद्दाख का ट्रिप करना ही है। कसारा घाट क्रॉस करने के बाद घाटन देवी माता का मंदिर आता है, बहुत ही प्रसन्न लगता है। माता जी का दर्शन लेके मत्था टेक के बहुत ही सुकून मिलता है, आनंद मिलता है। माता जी का दर्शन लेके यहाँ से मैं आगे निकल रहा हूँ। देखिए माता जी का मंदिर कितना शानदार है, बहुत ही अच्छा लगा। मैं हमेशा यहाँ से जाते समय घाटन देवी लेके आगे निकलता हूँ, दर्शन लेके आगे। तो चलो
आगे अगली सफर तय करते हैं। माता जी का आशीर्वाद हमारे साथ है। गोटी टोल नाका के राइट साइड से गोटी गांव में से गुजर के हम शिरडी के लिए जाते थे श्री साईं बाबा की पालकी लेके। पदयात्रा में बहुत ही आनंद आता था। यह टोल नाका क्रॉस करते समय शिरडी के साईं बाबा की पालकी पदयात्रा की बहुत ही याद आती है। नासिक के पहले यह मनोरम दृश्य दिखाई दिया। प्लेन का यहाँ एक मॉडल रखा हुआ है, बहुत ही बेहतरीन है। बहुत सारे होटल्स टी स्टॉल्स बंद है, लेकिन लग बाई चांस यहाँ और एक टी स्टॉल मिल गया है और हमने चाय का सेकंड ब्रेक ले लिया है। चाय पीते हैं, चाय का आनंद लेते हैं और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। भीड़ भाड़ बहुत ही कम है। यह है मालेगांव बाईपास। धूप ज़्यादा होने के कारण मैंने टैंक पे ऐसा कपड़ा बांध लिया है। इधर काफ़ी तेज़ धूप है और पेट्रोल टैंक में सीधा सनलाइट आ रहा है। टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, थोड़ा सा मुझे पेट्रोल का स्मेल आने लगा तो मैंने सोचा एक जुगाड़ कर ले। जो माइक्रोफाइबर कपड़ा आता है गाड़ी साफ़ करने का, उसको मैंने टैंक पर इस तरह से बांध लिया है ताकि वो टैंक पे शेड थोड़ी बड़ी रहे और टैंक ज़्यादा हीट ना हो। देसी जुगाड़। तो चलो आगे चलते हैं। अभी है हमारा चालीसगांव फाटा आ गया। यहाँ से हमें राइट टर्न लेना है। जो अभी जो बड़ा बढ़िया रास्ता था वो लगभग समाप्त हो गया है। आगे अभी सिंगल रास्ता आएगा। हाँ, ये चालीसगांव फाटा से हम अभी अंदर आ गए हैं। जो अच्छे रास्ते की जो मज़ा थी वो पीछे अभी छूट गई है। अभी हमें नॉर्मल रास्ते से काम चलाना है। चलो आगे चलते हैं। जो भी है रास्ता अपना है, अपने रास्ते को अपनाते हैं और आगे बढ़ना है। ये रोड अंडर रिपेयरिंग है, इसको सीमेंट कंक्रीटीकरण किया जा रहा है। कुछ हिस्सा पूरा हो गया है, कुछ हिस्सा उसका बन रहा है। तो अंडर मेंटेनेंस बोलिए, अंडर रिपेयरिंग बोलिए, अंडर डेवलपमेंट बोलिए, कुछ भी बोलिए, काम चल रहा है। यह है हमारा दहीवाड़ गांव। दहीवाड़ इस गाँव का नाम है। दहीवाड़ हमारे साळुंके साहब यही गांव के रहवासी है। साळुंके साहब आप देख रहे हैं तो देखिए, हम आपके गांव के साइड से गुजर रहे हैं। छोटा सा बढ़िया गांव है इनका। दोस्तों, गोप्रो की बैटरी डाउन होने के कारण आगे का वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए। मैं घर पे क्षेम कुशल पहुंच गया हूं और सबसे मिल लिया है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल हैप्पी राइडर।
गजानन पाटील। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच।